कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कचरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि एक बेस्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट के पास जाने के लिए एंड एक बहुत ही अच्छा सा मेकअप करा के वीडियो बनाने के लिए, तो यहाँ आपने हुक्म किया और हम हाज़िर हो गए वीडियो लेके। तो अभी हम जाने वाले हैं द बेस्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट के पास एंड देखते हैं कि कैसा मेकअप होता है। अच्छा, हम दोनों ना वेडिंग गेस्ट वाला मेकअप करवाएंगे, तो आपका रेंज क्या है रेट? मेरा पार्टी मेकअप का रेंज 2000 से स्टार्ट है, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पार्टी हेवी लुक्स या नॉर्मल लुक्स चाहते हो। अच्छा, हम लोग थोड़ा गॉर्जियस लुक चाहते हैं। ओके ओके, पार्टी पार्टी है हो जाएगा, तो 2000 पर हेड चार्ज होगा। थोड़ा सा आप डिस्काउंट दे देना, क्योंकि हम दोनों कर रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हो ही जाएगा। और हाँ, एक्चुअली ना हम लोग ना यूट्यूबर है, ठीक है, मतलब हम लोग का चैनल है यूट्यूब में, आप देखते हो ना यूट्यूब वीडियोस, तो अगर हम थोड़ा सा वीडियो ले, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, मतलब मेकअप का वीडियो लेंगे, कोई प्रॉब्लम कि आप मेकअप करवा रहे हैं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ओके गाइज, वहाँ पे जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स थे सारे बहुत ही हाई एंड हाई क्वालिटी के थे, साथ ही साथ मेकअप ब्रशेज एंड टूल्स सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे। एंड यहाँ पे हम दोनों बंदरिया के तरफ से आपको हाई। तो अभी स्टार्ट हो गया है हमारा मेकअप, एंड मेकअप स्टार्ट करने से पहले दीदी ने अच्छे से मेरे फेस को साफ कर लिया, क्लीन कर लिया एक क्लेंजिंग वाइप से। थैंक गॉड कि उन्होंने आंख बंद करने के लिए बोला। आपने टोनर लगाया? यस, टोनर लगाया। तो अभी दीदी ने अप्लाई किया है एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, क्योंकि मेरा ऑयली स्किन है। एंड इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद उन्होंने एक ड्राई टिश्यू की मदद से मेरे फेस को डैब डैब करेगी, ताकि मेरे फेस से जो भी एक्सेस ऑयल है, एक्सेस मॉइस्चर है, वो सोक हो जाए, अब्सॉर्ब हो जाए। एंड नाउ वो अप्लाई कर रहे हैं प्राइमर, जो कि मेकअप की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। एंड ये आई थिंक कि बहुत सारे छोटे छोटे मेकअप आर्टिस्ट स्किप कर जाते हैं, बट इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। क्या अप्लाई कर रहे हो? ये मैं कलर करेक्टर है, ऑरेंज करेक्टर है, जिससे जो पिगमेंटेशन का जो दाग का जो दाग है वो धुल जाएगा। ठीक है, कलर करेक्शन के बाद दीदी ने मेरे फेस में फाउंडेशन अप्लाई किया है। ये थोड़ा सा क्रीम बेस में है, इसलिए थोड़ा सा ऑक्सीडाइज्ड होता है, बट स्किन में बहुत ही खूबसूरत सा ग्लो भी ऐड करता है। एंड उन्होंने सिर्फ फेस में नहीं, मेरे ईयर्स में एंड नेक में भी फाउंडेशन को अप्लाई किया है। थोड़ा सा ब्राइट कलर का कंसीलर यूज कर रही हूं। इससे क्या होता है, इससे जो हमारा जो ऊंचा जो पार्ट है वो बहुत इनहेंस दिखता है। अच्छा, उसको हाईलाइट करते हैं फेस का जो अपर पार्ट है। सो गाइस, जो ब्राउ डिफाइन वाला पार्ट था वो गलती से रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए मैं वो दिखा नहीं पा रही हूँ, बट वो बहुत ही अच्छे से ब्राउज को फिल किया है उन्होंने। एंड उसके बाद वो कंसीलर से कार्व आउट कर देंगी ब्रो को, क्लीन अप कर देंगी, ताकि बिल्कुल शार्प एंड एजी लुक आए। एंड देन एक बहुत क्यूट छोटू सा ब्यूटी ब्लेंडर के साथ वो ब्लेंड कर देंगी। एंड आई मेकअप के लिए सबसे पहले उन्होंने यूज किया है ब्लैक कलर का क्रीम बेस। अब कैसा आई लुक करोगे? मैं एक स्मोकी आई लुक करूँगी, ग्रीन स्मोकी। ओके, क्योंकि वो स्मोकी आई करने वाली है, इसके लिए थोड़ा सा एक्सेस पाउडर मेरे अंडर आई पर अप्लाई करके वो बेकिंग कर लेंगी, ताकि कोई भी फॉल आउट हो तो ये पाउडर्स उन्हें कैच कर ले एंड बेस खराब ना हो। अभी वो ब्लैक आई शैडो के साथ मेरी आईज को और भी ज़्यादा स्मोक आउट करेंगी।
एंड अभी वो अप्लाई कर रही है एक ट्रांजिशन शेड एंड उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही है. सो नाउ वो एक ग्रीन कलर के पिगमेंट को मेरे आईलिड पे अप्लाई करने वाली है, पैक ऑन करने वाली है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत ब्लेंड भी कर देंगी. एंड नाउ वो मेरी लोअर लैश लाइन को भी थोड़ा सा स्मोक आउट कर देंगे. एंड हाँ, हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी हाइजीनिक तरीके से वो अप्लाई कर रही है आई लाइनर. कुल भी यूज्ड वाला ब्रश नहीं यूज कर रहे हैं, बहुत क्लीनली वो अप्लाई कर रही है आई लाइनर. एंड इसको भी वो स्मज कर देंगी एक ब्रश की मदद से, ताकि एक बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मोकी सेक्सी लुक आए. उन्होंने आई मेकअप को बाद में कंप्लीट किया है, अभी वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोल करने वाली है. एंड ट्रस्ट मी, कॉन्ट्रोल करने के लिए उन्होंने एनेस्थेसिया बेवरली हिल्स का जो कॉन्ट्रोल किट होता है उसकी का यूज किया है. एंड आई रियली लव इट, ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है एंड बिल्कुल भी पैची नहीं लगता है. इट्स सो गुड. एंड आप देख सकते हो मेरा नोज कॉन्टोर भी हो चुका है, पहली बार आई थिंक ये अच्छे से हुआ है. एंड एक बनाना शेड के साथ वो जिस भी एरिया पे कंसीलर लगाया था उसको हाईलाइट भी कर रही है. सो अभी बारी है ब्लश की, एंड वो एक बहुत ही सॉफ्ट कोरल कलर का ब्लश यूज कर रही है. एंड इसको अप्लाई करने के बाद वो एक क्लीन मेकअप ब्रश के साथ इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देंगी, ताकि ब्लश, कॉन्टोर सब कुछ बिल्कुल स्किन में ब्लेंड हो जाए एंड बिल्कुल भी अननेचुरल ना दिखे. क्या अप्लाई किया आपने? ये मेकअप फिक्सर है, मेकअप ज्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग के लिए. लॉन्ग लास्टिंग बनेगा. अच्छा, आपने हाइलाइटर बाद में क्यों लगाया? ये बाद में इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि जो इसका जो ग्लिटर है, जो पार्टिकल्स है ना, अगर मेकअप फिक्सर के बाद पहले यूज़ करते हैं तो इसका जो ग्लिटर है वो छुप जाता है, तो इसीलिए वो बाद में यूज़ होता है. ज़्यादा मतलब ग्लो दिखाने के लिए. सो थैंक गॉड कि उन्होंने आईज क्लोज करके ही मस्कारा अप्लाई कर लिया था, क्योंकि मुझे भी तो आईज खोलने में डर लगता है. एंड साथ ही साथ वो फॉल्सीज भी अप्लाई करेंगी, हमने नहीं बोला था, उन्होंने खुद से किया. एंड आप देख सकते हो वो ब्लैक कलर की आई लैश ग्लू भी यूज़ कर रही हैं एंड बहुत अच्छे से अप्लाई हो गया था आई लैशेज. एंड नाउ आप देख सकते हो कि वो कितनी हाइजीनिक तरीके से लिपस्टिक को अप्लाई कर रही है, बिल्कुल भी जो लिपस्टिक का बुलेट होता है वहाँ पर से नहीं अप्लाई किया है, एक सेपरेट क्लीन ब्रश यूज करके उन्होंने लिपस्टिक अप्लाई किया. एंड साथ ही साथ वहाँ पे आप कोई भी आउटफिट अगर पहनते हो उसको भी सेट किया जाता है, जैसे कि मैंने साड़ी पहना था एंड बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे पहना दिया. मुझे अच्छे से साड़ी पहनना आता नहीं है, बट बहुत अच्छे से वहाँ पे आपको साड़ी भी पहना सकते हैं. एंड अभी हेयर स्टाइल चालू होता है, उन्होंने अच्छे से मेरे बालों को क्रिम्प कर लिया, पफ कर दिया पीछे से एंड बहुत सुंदर से कर्ल्स भी बना दिए. ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे बाल इतने अच्छे दिख रहे हैं. बहुत डिफरेंट लुक था, मैं ऐसा लुक कभी नहीं करती हूँ, बट बहुत मुझे पसंद आया. एंड उन्होंने ज्वेलरीज भी मैच करके पहना दिया. एंड या दिस इज द फाइनल लुक. गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे. सो गाइस, हम दोनों बिल्कुल रेडी है कोई भी वेडिंग पार्टी अटेंड करने के लिए, बट द थिंग इज कि कोई भी वेडिंग पार्टी में हम लोगों को बुलाया नहीं गया. तो ऐसे ही मेकअप किया, ऐसे ही. हाँ, एंड अभी घर चले जाएंगे, फिर मेकअप भी उतार देंगे. एंड बहुत अच्छा लग रहा है मेकअप, यू कैन सी बहुत ग्लोइंग भी लग रहा है स्किन. एंड आई मेकअप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एंड ऐसा हेयर स्टाइल तो मैं कभी कर ही नहीं सकती. सो पूरा क्रेडिट उन्हीं लोगों को जाता है.
सो गाइज आई नो कि आप सबको हम दोनों का मेकअप बहुत पसंद आया है एंड मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया है एंड आई नो कि आप सब पूछने वाले हो कि किसने किया है मेकअप. सो ये जो मेकअप एंड स्टाइलिंग है ये पूरा किया है शोमिनी ने फ्रॉम शोमीज मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी. एंड शोमिनी आपको अपना फोन नंबर भी दे देंगे एंड एड्रेस भी बता देंगे. मेरा जो ये स्टूडियो है वे ए है सिरमपुर पे और मेरा जो फ़ोन नंबर है वो है 8013885569 जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है. तो आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज कि अगर आपको मेकअप करवाना है किसी प्रोफेशनल से देन इनसे आके ज़रूर करवा सकते हो. एंड मैंने सुना है कि ये एकेडमी भी है तो अगर आपको सीखना हाँ. भी है आप यहाँ पे आके ज़रूर तो सीख सकते हो. तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है. अगर आया है देन लाइक प्लीज़ कर देना, बहुत मेहनत किया है बहुत ज़्यादा. तो चलिए बाय.